झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज और शेल कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका वाले मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एलएसपी पर सुप्रीम कोर्ट 24 मई को सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई वैकेशन कोर्ट में करेगा। बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई की तारीख भी 24 मई को ही निर्धारित कर रखी है। बता दें कि हेमंत सोरेन को पत्थर खनन लीज आवंटन और करीबियों के शेल कंपनी में निवेश मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल विशेष अनुमति याचिका एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मेंशन किया गया। इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह इस महत्वपूर्ण मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को अदालत 24 मई को वैकेशन कोर्ट में सुनेगी। झारखंड सरकार की ओर से एसएलपी दाखिल करने पर पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस हेमा कोहली की अदालत को बताया कि ये एक गंभीर मामला है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।